या नेटफ्लिक्स देख लिया, अमेजन प्राइम देख लिया, वेब सीरीज देख ली, सारी मूवीज देख ली, घर का काम भी कर लिया, तो क्या करूं यार अब? थक गया यार मैं लॉकडाउन में, कुछ करने को नहीं है। टीटू को फोन करता हूँ, उसको पता होगा, वो तो हमेशा से घर पे ही था, उसको लॉकडाउन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। उसको फोन करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या क्या करता है वो घर पे। यार मैं तो थक गया घर बैठे बैठे। यार बता दे यार तू क्या करता है, तू तो हमेशा से घर पे है, क्या करता है तू आखिर घर पे? करना ही तो नहीं है, अभी तो घर पे रहने का मजा आएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, बस सांस लेते रहना है। अरे इसमें भाई कुछ खेल ले, थोड़ा बिस्तर पे पड़ जा, थोड़ा कुछ खा ले, थोड़ा सो जा, इतना तो काम है, टाइम ही कहाँ मिलता है। चलो मैं रखता हूँ, मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, मुझे अपनी एनर्जी बचा ली। तुझे 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 क्या काम है? हेलो हेलो तुझे क्या, हेलो हेलो इसको क्या काम है, ये एनर्जी बचा के क्या करेगा? तेरे भाई को कोरोना छू भी नहीं सकता, मेरी माँ ने कोरोना का इलाज निकाल दिया है। सुन, 3-4 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, एक आध इलायची, गरम पानी में डाल दो, फिर मिला दो और खटक करके पी जाओ, कोरोना का बाप भी नहीं छू सकता। भाई वाह, पूरी दुनिया की साइंटिस्ट लगी पड़ी है कि कोरोना का कोई वैक्सीन निकाल दे, उनसे नहीं हो पा रहा, बट तेरी मम्मी घर बैठे बैठे इलाज निकाल दिया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, वाह। अरे तुझे मजाक लग रहा है? अब तो तू ये भी बोलेगा कि नाक में तिल का तेल डाल के अगर बाहर निकलो तो कोरोना नहीं होता, ये भी गलत बोला है मम्मी ने। हाँ भाई ऐसा नहीं होता है, ये किससे बोला? अच्छा और क्या क्या बोला आंटी ने, बताइए जरा। अरे मम्मी ने तो ये भी बोला है, अगर हाथ में काला धागा बांध लो तो तुम अगर कुछ भी टच करते हो तो कोरोना किसी कीमत में तुम्हें नहीं हो सकता। भाई बहुत सही, एक काम कर, तू अपनी मम्मी को बोल तेरे मुंह में थोड़ा सा कोयला डाले, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाले और थोड़ा सा आग लगा दे, इससे क्या होगा, ना तू रहेगा ना तेरे अंदर कोरोना रहेगा, समझा? चल हट, रख फोन। अरे कभी सोचा है जेल में कैदी कैसे रहते होंगे? तुझे तो सिर्फ कुछ ही दिन ऐसे रहना है, वो तो कई कई सालों से ऐसे रहते हैं, कई बार तो जिंदगी भर जेल में ही कैदी बने रहते हैं। भाई मुझे क्यों जेल में रहना पड़ेगा, मैंने कौन सा मर्डर किया या फिर मैंने कौन सी चोरी की है? किया नहीं है क्या? मर्डर तो किया ही है, नेचर का मर्डर किया है। कभी तूने सोचा है चिड़िया घर में जो जानवर रहते हैं कैसे बेचारे कैद रहते हैं, और हम उन्हें देखने जाते हैं और मजे करते हैं, अब हम घर में कैद हैं और वो मजे कर रहे हैं। भाई तू रख, तू फोन रख, तेरी बातें सुन के ना मेरा बीपी बढ़ रहा है। भाई तू फोन रख, तू रख, प्लीज रख दे भाई। ठीक है भाई। सब खत्म होने वाला है भाई, हम सिंगल ही मर जाएंगे, इतने पाप किए हमने, नेचर अब बदला ले रही है, कलयुग खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म हो रही है। भगवान, ये बता तेरे घर में सब कैसे हैं? अरे भाई घर का क्या बताऊं, पापा सुबह से 2 बारी छींक चुके हैं, उनको तो कोरोना हो ही चुका है, मुझे 2-4 दिन में हो जाएगा। अरे सब खत्म हो रहा है भाई, सब खत्म हो रहा है। अच्छा ये छोड़, तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? क्या गर्लफ्रेंड, अरे उसको तो मैंने छोड़ दिया है, अब हम मिल कहाँ पाएंगे, ब्रेकअप ही कर लिया है मैंने, दुनिया वैसे ही खत्म हो रही है, देख तो रहा है तू, सब खत्म है भाई। हाँ तू सही कह रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है और सबसे पहले तू ही मरेगा, तू एक काम कर, तू ना सबसे पहले फोन रख।
तू फोन रख, तू नहीं बचेगा तो फोन रख, फोन रख। वाहन कितने नेगेटिव लोग हैं यार, मतलब कोरोना के बारे में इनसे पूछो, इनको दुनिया जहान में सब पता है कि कितने कोरोना के नए मरीज आए हैं, कितने कोरोना के नए डेथ हुए हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, सब एक साथ में सब कुछ बोल देंगे। इतने नेगेटिव लोग हैं ना ये लोग, मतलब कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस तो ये लोग हैं। इनकी बातें सुन सुन के तो मैं खुद डिप्रेशन में आ जाऊँगा, मैं खुद सुसाइड कर लूँगा। अरे भाई कुछ पॉजिटिव भी बोल लिया करो, उफ इतने नेगेटिव लोग हैं ना ये। हो गया वीडियो खत्म, देख लिया यहाँ तक, देख लिया है तो थोड़ा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, और अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो फिर मिलते हैं, बाय।